हाय गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो आज के वीडियो के लिए आई एम सुपर 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 एक्साइटेड क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश एंड बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल समर्स के लिए आउटफिट ऑप्शंस मिलेंगे एंड मैंने सेवन लुक्स क्रिएट की हैं एंड इन सेवन लुक्स को क्रिएट करने के लिए जो भी पीसेस मैंने स्टाइल किए हैं वो सभी एमेजोन से हैं एंड इन सभी प्रोडक्ट्स के परचेजिंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो आप चेकआउट कर लेना एंड अमेजोन पे गाइज मेगा फैशन डे सेल स्टार्ट हो रही है टेंथ से लेकर फोर्टीन तक एंड इसके अंदर आपको अपटू सेवेंटी परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा विच इज ह्यूज एंड प्राइम मेंबर्स को अप टू टेन एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा ऑन एमेजॉन पे अब चलिए जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट लुक मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो समर मस्ट हैव है गाइस बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश हैं एंड मैं यहाँ पर बात कर रही हूं टू पीस ये है काफ्तान सेट समर अप्रोप्रिएट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल एंड डे टाइम में कहीं पे भी आप बाहर जा रहे हो आप इसे स्टाइल कर लो और ये है मिर्ची ब्रांड से एंड मीडियम साइज में मैंने लिया है कॉटन फैब्रिक के अंदर है एंड ये जो काफ्तान है ये एस आप देख सकते हैं इसके जो हैम्स हैं साइड से आपको नीचे लटके हुए मिलेंगे और साथ में इसके अंदर टेसल्स भी लगाई हुई है ये जो डिटेलिंग है इसको बोहिमियन लुक दे रही है एंड इसके अंदर वी नेक भी है यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर नेट पे जरी का वर्क मिल जाता है ये थ्रेड वर्क किया हुआ है यहाँ पर आपको ये बेल्ट मिलती है एंड इस बेल्ट पे भी बहुत ही सुंदर मतलब लेस वर्क किया गया ये बेल्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो पाएगी अदर चीज़ों के साथ भी आप कैरी कर सकते हैं एंड पीछे से आप इसे इस तरह से सिंच करके टाइट कर सकते हैं एंड इसके अंदर प्योर कॉटन यूज़ किया गया है विच इज़ सुपर सॉफ्ट सुपर समर अप्रोप्रिएट एंड इसके साथ जो बॉटम आपको मिलती है उसके अंदर भी बहुत ही सुंदर प्रिंट किया गया है स्मार्ट पैंट्स हैं नीचे से थोड़ी नैरो हो जाएगी एंकल लेंथ है एंड ये सेमी इलास्टिकेटेड है इसके अंदर पॉकेट्स भी दी गई हैं सो so, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लुक आ रहा है फर्स्ट के अंदर आप देख सकते हैं स्टाइलिंग की मैं अगर आपको बताऊँ सो so, अगर आप इस तरह के काफ्तान पहन रहे हो और थोड़ा सा शीक एंड एलिगेंट लुक चाहिए तो उसके अंदर आप हल्की सी हील्स ले लीजिए पॉल के ईयर आप डाल लीजिए एंड आपका एफर्टलेस लुक क्रिएट हो जाएगा मेरे पास ऑनवल बैग नहीं था जो ऐसे टेसल्स वाला ऑन वाला बैग बोहो बैग आप जिसे कह सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है एक दो साल से अगर मेरे पास होता तो उसी को मैं इसके साथ स्टाइल करती हूँ और बहुत ही अच्छा लुक निकल के आता जो कि आपको स्टाइल भी दे देता और साथ में कंफर्ट भी देता सो so, ये है फर्स्ट आउटफिट इसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है एंड ये तो इंडिगो कलर के अंदर कॉड सेट है और यू कैन सी कितना एफर्टलेसली शीक लुक इसके अंदर आ रहा है और इसके अंदर ना मतलब मन करता है जब इस तरह के कपड़े पहनो ना थोड़ा सा स्टाइल करो बट स्टाइल में ना मैं आपको बोलूँगी कि मिनिमल जितना रखोगे ना उतना ही ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा वो उतना ही ज़्यादा शीक लगेगा बट सेम टाइम अगर आप चाहें इसको थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न लुक देना तो आप सिल्वर ज्वेलरी के साथ भी पेयर कर सकते हैं सो so, पहले हम बात करते हैं आउटफिट की उसके बाद मैं स्टाइलिंग बताऊँगी इसकी मैंने कैसे की है सो so, यहाँ पर ये कॉटन फैब्रिक का इंडिगो कलर के अंदर ये शर्ट स्टाइल कुर्ता है नीचे से इसके अंदर थोड़ा फ्लेयर भी ऐड हो जा रहा है जिसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा है कि बैली फैट को भी ये हाइड कर लेता है और इसकी लेंथ भी बिल्कुल परफेक्ट है आपके इसके अंदर बैक आराम से कवर हो जाएगी और इसके अंदर जो ये बटन्स दिख रहे हैं ये ऊपर से लेके नीचे तक हैं विच इज़ फंक्शनल सो तो आप इसे बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हैं एज ए श्रग भी ये कैरी कर, किया जा सकता है एंड थ्री फोर स्लीव मिल जाएगी इसके अंदर मैंने साइज लिया है मीडियम एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड ये नया ब्रांड मैंने ट्राई किया है पुख्या इसके साथ जो बॉटम आ रही है सेम कलर में है सेम उसके अंदर प्रिंट है एंड काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट पैंट है आपको इसके अंदर नीचे से ये नैरो लुक देगी सो so, बिल्कुल ट्राउजर्स वाला लुक आता है ये फुली इलास्टिकेटेड है इसके अंदर पॉकेट भी दी गई हैं दो सो so, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है दोनों को पेयर किया एंड इसके अंदर जो शर्ट पर बटन थे ना उसी को मैच करते हुए मैंने पर्ल के स्टर्ट इसके अंदर डालिए छोटे वाले देन वाइट कलर का जो बूटियों में काम हो रखा है उसी कलर के मैंने फुटवेयर डाल लिए इसके बाद मेरे पास एक इंडो इंडिगो कलर की ये स्लिंग uh, बैग थी इसको मैंने ले लिया एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना पूरे लुक के अंदर तो ये जो बैग है वो आउटफिट के अंदर ही मर्ज हो गया बिल्कुल अलग नहीं दिख रहा है ऐसा लग रहा है इस सेट के साथ ही आया है सो so, इस तरह से मैंने वाइट बैग की जो है इंडिगो बैग ही ले लिया ताकि वो जो सेपरेशन है ना वो नज़र ही ना आए वो आउटफिट का पार्टी लगे सो so, येस yes, इस तरह की स्टाइलिंग मैंने की आप बताइएगा आपको एक कैसी लगी अदरवाइज आप चाहें सो so, इसे थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न लुक भी दे सकते हैं आप जुत्तीस इसके साथ कैरी कर सकते हैं सिल्वर ज्वेलरी आप इसके साथ कैरी कर सकते हैं और वो जो पतली पतली बैंगल्स आती है सिल्वर की वो भी आप स्टैक करके पहन सकते हैं कड़ा भी पहन सकते हैं सो so, येस yes, बहुत तरीके से स्टाइल हो जाएगा बट मुझे इस तरह से मिनिमल और थोड़ा सा मैं शीक लुक इसके अंदर क्रिएट करना चाहती रही तो मैंने इस तरह के एलिमेंट्स डाले जैसे कि थोड़ी सी हील्स डाल दी और उसके बाद पर्ल डाल दिए। सो so, बताइए आपको ये दोनों लुक्स कैसे लग रहे हैं इसके बाद जो थर्ड पीस मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना ये कुर्ता सेट एंड गाइज ये ना बहुत ही प्यारा है मतलब इसे ना मुझे देखते ही लगा था कि बहुत ही सुंदर होगा और जब ये मेरे को आया ना और मैंने इसे पहना मतलब मैं ना बिल्कुल ऐसे हो गई कि परफेक्ट इस तरह का कुर्ता मुझे चाहिए था और वो पूरे जो पैरामीटर्स है ना उसको फुलफिल करता है यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ पहले ज़्यादा बातें ना करते हुए सो ऑफ वाइट कलर के अंदर ये ए लाइन के अंदर कुर्ता है इसमें तीन कलियाँ कल हैं आगे और पीछे एंड इसके सेल्फ में आपको ना ये गोल्डन कलर की जरी का काम मिलता है बिल्कुल भी नहीं चुपता कॉटन फैब्रिक है साथ में जो ज़री वाला फ़ैब्रिक यूज़ किया गया है वो भी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है कहीं से भी इरीटेट नहीं करता एनकाइज इसमें स्लीव्स आपको ना चूड़ी वाली मिलती हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बिल्कुल भी ना सफोकेशन नहीं फील होती परफेक्ट है थोड़ी ढीली ढीली सी और मतलब परफेक्ट लगती है मुझे इस तरह की बहुत ज़्यादा टाइट होती है ना फिर वो बहुत ही उलझन क्रिएट करती हैं सो so, इसकी स्लीव्स मुझे बहुत ही प्यारी लगी और साथ में ये जो गोटे का काम किया हुआ है ना ऊपर से लेके नीचे तक कलियों में ना इस तरह का स्टाइल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है एक तरह से फिनिशिंग टच इसके अंदर ऐड हो जाता है इसके अंदर जरूर से मैं बोलूँगी कि आपको ना इनर डालने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये थिन कॉटन फैब्रिक में है बट मेरे को मेरा वाइट इनर नहीं मिल रहा था न्यूड मिल रहा था ब्लैक मिल रहा था जिसकी ज़रूरत होती है वो नहीं मिलता तो मेरे को वाइट नहीं मिला तो मैंने ऐसा ही से स्टाइल करके दिखा दिया बट गाइज ये मुझे बहुत प्यारा लगा इसकी स्टिचिंग देखो कितनी सुंदर है बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से है और फिटिंग भी बहुत अच्छी आई मैं बताती हूँ इसका साइज़ मैंने मीडियम लिया है एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड फ्योरा ओके बॉटम जो आता है वो भी इसके अंदर आप देख सकते हैं थोड़ा सा वाइड लेग है नीचे गोटा लगेगा अदरवाइज पूरा प्लेन है एंड ये सेमी इलास्टिकेटेड है सो so, ये बॉटम भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे अदर पीसेस के साथ भी एंड काफ़ी स्मार्ट लुक आ रहा है ऑल ओवर आप देख सकते हैं और दुपट्टा तो मतलब इसके अंदर और भी ग्रेस एड कर रहा है जो चंदेरी फैब्रिक होता है ना उस तरह का इसका दुपट्टा है और इसके ऊपर गोल्डन फॉयल प्रिंट किया हुआ है छोटी छोटी बूटियाँ और चारों तरफ बॉर्डर है देन इसमें इस तरह से गोटे का भी काम किया हुआ है परफेक्ट लेंथ है इसकी लेंथ फुल मिलेगी और उसके अलावा जो चौड़ाई आप देख सकते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मैंने इसके साथ हल्के से यू नो लूप्स के अंदर ईयर डाले हैं मैं सरोजनी नगर से लेके आई थी सुपर अफोर्डेबल हंड्रेड रुपीज़ का था एंड ये मेरा फेवरेट पीस है ये हर किसी के साथ चला जाता है सो so ये yes, इस तरह से मैंने इस लुक को क्रिएट किया है फुटवेयर्स में आप जुत्तीस भी कैरी कर सकते हैं या फिर हल्की फुल्की ही ले सकते हैं वाइट कलर में बहुत ही अच्छी लगेगी सो so मुझे तो ये वाला सेट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा बस इसके नीचे लाइनिंग की ज़रूरत है एंड ये बिल्कुल परफेक्ट लगेगा समर्स के लिए कलर भी बहुत ही प्यारा है यहाँ पर जो नेक्स्ट पीस है ना जो नेक्स्ट लुक है वो मैंने अगेन काफ्तान के साथ क्रिएट किया क्योंकि समर्स में ना काफ्तान बहुत ही अच्छे लगते हैं यहाँ पर जो मैंने ये पीस लिया ना गाइस थी सुपर सुपर अफोर्डेबल है एंड आई थिंक 500 के अंदर ये पूरा दोनों कोड सेट आपको मिल जाएगा काफ्तान वाला जिसके अंदर टॉप एंड बॉटम है और ये ना एक तो इसमें थ्री थ्री फोर ऑप्शन थे डिफरेंट कलर एंड यू नो प्रिंट ऑप्शन थे मैंने ना ये वाला लिया है मतलब बिल्कुल जोमेट्रिक जो प्रिंट है ना मुझे बहुत ही पसंद आता है एंड यू कैन सी कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है लाइट बेस पर इस तरह के जो यू you नो know, थोड़ा सा कैसा बोलेंगे रस्ट कलर है या डार्क पिंक कलर जो होता है ना उसके अंदर ये ब्लॉक्स बने हुए हैं इसके अंदर बीच में आपको ये इलास्टिक मिलता है जिससे प्रॉपर सेंस जो आता है और काफ़ी अच्छी शेप आती है इसका जो फैब्रिक है ना वो कॉटन मिक्स है कंफर्टेबल है देखो जैसे ही आप अफोर्डेबल रेंज में चले जाओगे ना 500 में इस तरह के सेट या फिर सिक्स सेवन हंड्रेड में थ्री पीस कुर्ता सेट तो वहाँ पर प्योर कॉटन ना लेके कर वहाँ पर कॉटन ब्लैंड यूज़ किया जाता है सो so इसके अंदर भी कॉटन ब्लैंड है बट मैं अगर फील की बात बताऊँ तो समर्स में डेफिनेटली आप इसे कैरी कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लोई ब्रीदेबल था सो so यस yes, आपको समर में काफ़ी कम्फर्टेबल रखेगा लेंथ वेंथ आप देख सकते हैं परफेक्ट है इसके साथ जो बॉटम आ रही है वो इस तरह की है अच्छा मीडियम साइज लिया मैंने सभी चीज़ों में एंड नीचे से ये आपको स्ट्रेट फिट के अंदर और थोड़ा सा टेपर्ड लुक मिलेगा देन ये भी आपकी सेमी uh, इलास्टिकेटेड है इसके अंदर एक पॉकेट दी गई है एंड अगर आप देखेंगे ना तो इस तरह के जिसके अंदर शॉर्ट कुर्ती है ना अगर उसमें टॉप एंड बॉटम में अलग अलग कलर हो ना तो क्या होता है आपका जो लेंथ है ना वो कट जाती है जिसके कारण आपका हाइट छोटा लग सकता है बट दोनों ही ऑर्ड सेट जो मैंने आपको दिखाए ब्लू कलर में और ऑफ वाइट कलर में इसमें बड़े स्मार्टली इन्होंने काम किया है दोनों पीसेस को सेम पैटर्न में सेम कलर में रखा है जिसके कारण वो जो कॉन्टीन्यूटी है ना वो ब्रेक नहीं हुई आपको हाई हाइट का इल्यूज़न भी मिल रहा है सो so ये है इसके बाद जो नेक्स्ट पीस मैं आपको दिखाऊंगी ओ oh माई गॉड जिसे सुपर सुपर कंफर्टेबल एंड बहुत ही प्यारा है परफेक्ट बोहो लुक आप इसे अचीव कर सकते हैं एंड ये एक ड्रेस है जो जीन्स के साथ भी कैरी की जा सकती है और एस एच वन पीस की तरह भी अगर कहीं पे भी आप वेकेशन पे जा रहे हो डेफिनेटली इसे तो आप पैक कर ही लेना अगर बीच ही वेकेशन है तो भी बहुत अच्छा आएगी अदरवाइज कहीं और का भी आप प्लान बना ले तो हर जगह पर बहुत ही अच्छी रहेगी कॉटन फेब्रिक में है यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट में ये पॉम पोम लगाए हुए हैं वी नेक है यहाँ पर ये जे क्या होता है वो जूट वाला जो लेस होता है उसका काम किया गया है एंड यू कैन सी पूरा भर के डिटेलिंग है बट बहुत ही ज़्यादा सटल लग रहा है लेंथ भी इसकी परफेक्ट है वन पीस के हिसाब से भी और जीन्स के साथ कैरी करने के लिए भी इसके अंदर आपको थ्री फोर ऑप्शंस मिल जाएंगे डिफरेंट स्टाइल्स हैं ऑलमोस्ट मतलब ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा बट उसके अंदर से मैंने ये वाला पिक किया आपको जो भी अच्छा लगे अपने लिए पिक कर सकते हैं इसमें कॉटन की लाइनिंग भी दी गई है स्लीवस के अलावा एंड ये है ईशन ब्रांड से एंड इसका साइज़ है मीडियम नाउ सिक्स लुक के अंदर मैंने अफग़ानी पैंट्स वाला कुर्ता सेट कैरी किया है और बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर में है जो कि कॉटन फैब्रिक में है और इसका जो ब्रांड है वो है अनारवा मीडियम साइज में मैंने लिया है ये कुर्ता सेट ऑफिस के लिए कॉलेज के लिए किसी भी कैजुअल आउटिंग के लिए ना परफेक्ट है इंडो वेस्टर्न लुक आप इसे आसानी से क्रिएट कर सकते हैं मतलब कुर्ता सेट है बट बहुत ही स्मार्ट लुक दे रहा है कुर्ता सेट एंड यहाँ पर जो इसका कुर्ता है ना वो आप देखेंगे नी लेंथ के आसपास आ रहा है सो इतनी लेंथ में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लुक मिलती है अगर उसके साथ अफ़ग़ानी पैंट्स हैं यहाँ पर ये मोटिवस भी बहुत ही प्यारे हैं कॉटन फैब्रिक है बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है एंड इसके साथ आपको ये अफ़ग़ानी पैंट्स मिलती हैं लेंथ वगैरह बहुत ही बढ़िया है एंड इसके अंदर भी आप देख सकते हैं ऑल ओवर आपका जो प्रिंट है ना वो सेम है कलर सेम है सो शॉर्ट कुर्ता होते हुए भी ये आपकी लेंथ को छोटा नहीं दिखाएगा सॉरी हाइट को छोटा नहीं दिखाएगा एंड इवन आपको हाई हाइट का इल्यूजन देगा विच इज़ सो नाइस एंड साथ में सुपर कंफर्टेबल एंड कलर एंड प्रिंट तो स्पेशली मुझे इसका बहुत अच्छा लगा और अफगानी पेंट तो डेफिनेटली एक सेट आपके कलेक्शन में होना चाहिए अच्छा इसके बाद ना मैंने एक और लुक क्रिएट किया है जो कि आई थिंक ऑफिस के लिए परफेक्ट रहेगा ये मैंने इस तरह का टॉप लिया एक्चुअली इसे देखते ही ना एक तो इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा एंड साथ में वी है का तो मुझे लगा मुझे इसे लेना ही चाहिए फैब्रिक गाइस सुपर सॉफ्ट सुपर फ्लोई सो बहुत ही कंफर्टेबल है दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड ग्लोरी बॉयज मीडियम साइज में है यस बॉयज़ नॉट गर्ल्स वाई ओके इसके अंदर मैंने मीडियम साइज़ लिया है मुझे ऐसा लग रहा है मीडियम मेरे लिए ढीला है मुझे इसके अंदर स्मॉल लेना चाहिए था सो वी नेक थोड़ा सा मुझे डीप जा रहा है आई थिंक साइज में सही लेंगी सो so इसके अंदर मुझे सही रहेगा एंड गाइज ये भी जो है ना शर्ट स्टाइल में है सो so ये बटन जो है ये फंक्शनल है स्लीव इसके अंदर फुल मिलेगी यहाँ पर इलास्टिक दी गई है बहुत ही सॉफ्ट है बहुत ही कंफर्टेबल है कलर इस पे ऑप्शन इसके अंदर आपको दो मिल जाएंगे आप अपनी ट्राउजर्स के साथ इसे कैरी कर लो अदरवाइज अगर आप ऑफिस में जो स्कर्ट्स वगैरह होती हैं नी लेंथ की फिटेड वाली पेंसिल स्कर्ट्स वो कैरी करते हो तो उसके साथ भी इसे कैरी कर सकते हो टक करके इस तरह से वी नेक वाली और जो ये यू नो फुल स्लीव पफी स्लीव के साथ बहुत ही अच्छा फैमिनन लुक बन जाता है सो so, यस yes, ये वाला भी ऑप्शन मैंने इंक्लूड किया एंड मुझे बहुत बहुत प्यारा लगा सो so, अपने ऑफिस के लिए आप डेफिनेटली इसे कंसीडर कर सकते हैं चाहे तो आप इसे डिफरेंट तरीके से स्टाइल करके कहीं पे भी बाहर जा रहे हो डे टाइम पे तो भी इसे कैरी कर सकते हो जीन्स के साथ सो so, गाइस ये थे सेवन लुक्स बताइए आपको कैसे लगे यस yes, मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के ऑप्शन इंक्लूड करूँगी सो so, आप देखेंगे आपको हर जो स्टाइल और पैटर्न है वो डिफरेंट ही लगा होगा इसके अंदर सो so यस yes, अब अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करने में कच्चूसी मत करना लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है इन सब में से कुछ भी चीज अगर आप ट्राई करना चाहते हैं सो परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एमेजॉन पे जो सेल चल रही है उस टाइम पे डेफिनेटली आप अपने बाय कर सकते हैं चलिए इसी के साथ मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ बहुत जल्दी आपसे मिलती हूँ द नेक्स्ट वन टिल टन टेक केयर बाय बाय